नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष वीडियोस ट्यूटोरियल्स नंबर 8 लेके आ रहा हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे शुक्र पर्वत के बारे में। हाथ में शुक्र पर्वत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, शुक्र पर्वत का हमारे जीवन में महत्व क्या है। क्योंकि शुक्र पर्वत, अगर मैं एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दूँ, शुक्र पर्वत ही हैं जो हमें जीवन में वैवाहिक सुख प्राप्त करवा सकते हैं, शुक्र पर्वत ही हैं जो हमें सौंदर्य प्राप्त करवा सकते हैं, और शुक्र पर्वत ही हैं जो जीवन में महंगी महंगी गाड़ी, बंगले, नाम, रुतबा, इन सबका शौक करवा सकते हैं। ठीक है, तो शुक्र का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। जितनी भी जीवन में चीज़ें हम, एक तो होता है मेहनत, और मेहनत कर किसी के लिए रहे, लग्जरीज के लिए, लैविश लाइफ के लिए, नेम फेम रिस्पेक्ट के लिए, वो सब कौन प्राप्त करवाएगा? शुक्र। तो शुक्र को हाथ में देखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो सामान्य नहीं है, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने दोस्तों में, मित्रों में भी शेयर करें, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में संपन्नता आए। यदि किसी का वैवाहिक जीवन बिगड़ा हुआ है तो आप उसके हाथ को देख कर पता कर सकते हैं उसका क्या कारण है, उसके लिए क्या उपाय है। तो वीडियो के लास्ट तक भी बने रहिए, कारण और उपाय दोनों बताऊँगा, क्या कारण है कि वैवाहिक जीवन बिगड़ रहा है, और क्या कारण है वो किस प्रकार से उसके वैवाहिक जीवन को सही और स्वस्थ कर सकते हैं। अगली चीज़, आज हम एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दूँ, और स्मॉल इंट्रोडक्शन से पहले यदि आपको मेरे द्वारा पाम का एनालिसिस करवाना है, अपनी काम पाम एनालिसिस की कंसल्ट करवानी है, तो आपको वीडियो में डिटेल्स चलती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुरुआत के 50 लोगों के लिए, मात्र 50 लोगों के लिए भी 501 रुपये चार्जेस है, उसके बाद जो चार्जेस नॉर्मल है 1100 रुपीज़ वो लगना चालू हो जाएगा। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दूँ। पहले ही आज हम वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, पहले तो हमें हाथ को समझें कि हाथ की संरचना में क्या क्या होता है, जिससे आप जो पुरानी वीडियोस हैं जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, एक उसके बारे में बता दूँ, जिससे आप और चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। बुध, ये होता है बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत, और ये होता है चंद्र पर्वत। ठीक है, हर पर्वत का अलग महत्व है, हर पर्वत का जीवन में अलग अलग स्थान है, कि वो हर चीज़, जैसे कि शुक्र लैविश लाइफ दिलवा रहा है, लग्जरीज वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है, उसी प्रकार बुध व्यापार के बारे में बताता है। यदि आप व्यापारी हैं तो बुध को देखना आवश्यक है। यदि आप सरकारी नौकरी की कामना रखते हैं, या फिर सरकारी पद की प्राप्ति के लिए योग बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप राजनीति में हैं, तो सूर्य को देखिए। अपने व्यापार में अभी विशेष रूप से जमीन से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, खदान वगैरह से रिलेटेड, है ना, मटेरियल से रिलेटेड, है ना, स्टोन से रिलेटेड कार्य करते हैं तो शनि को देखें। गाड़ियों से रिलेटेड कार्य करते हैं, शनि को देखें, ये इसे देखना ज़रूरी है। ये उसमें विफलता या सफलता मिल रही है तो ये भी शनि की वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही आपको अगर अपने अध्यात्म के बारे में जानकारी प्राप्त चाहिए, सर्विस प्रोवाइडिंग काम करते हैं, सर्विस बेस्ड प्रोफेशनल वर्कर्स हैं आप, लाइक डॉक्टर्स, सीए, एजुकेटर्स, पुलिसकर्मी, है ना, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, है ना, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि ये सब चीज़ें हम बनेंगे या फिर बने हुए हैं तो हमें इस क्षेत्र में किस तरह से काम करना है, तो आप गुरु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही मंगल के बारे में भी जानकारी की वीडियो है, संपूर्ण वीडियो, तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। तो शुक्र को के बारे में आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीज़ें जानेंगे। पहली चीज़ जानेंगे शुक्र के महत्व, शुक्र हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। शुक्र, दूसरी चीज़, शुक्र किन किन चीज़ों के लिए कारक है, जैसे कि मैंने आपको बताया वैवाहिक जीवन, सौंदर्य, लग्जरीज, ठीक है, तीनों चीज़ों के लिए शुक्र कारक है। यदि इन सब चीज़ों में कमी आ रही है तो शुक्र को सही करना आवश्यक है। तीसरी बात करेंगे शुक्र पर बनने वाली ये सीधी रेखाओं की क्या गणना है, क्या इनके कारक हैं, है ना, इनका क्या जीवन में महत्व है। यदि ये सीधी खड़ी रेखाएँ हैं तो ये बहुत पॉजिटिव रेखाएँ मानी जाती हैं, ये जीवन में इंसान को इतने मौके देंगे, जीवन में बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ लाइन कहते हैं, ये जीवन में इंसान को बना देती हैं। तो मैं आगे चल के सारी बातें में इसमें इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। अगर शुक्र पर आड़ी रेखाएँ हैं तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। यदि शुक्र पर जालनुमा आकृति बन रही है, इस प्रकार से, है ना, जाल तैयार हो रहा है शुक्र पर्वत पर, यह बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा असर वैवाहिक जीवन में पड़ता है। सुख, वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती यदि आपके जालनुमा आकृति बन रही है, तो इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। यदि आपके हाथ में है और साथ में आपके शनि पर्वत से निकल, आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच रही है, या फिर आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकलकर बुध पर्वत तक पहुँच रही है, निश्चित ही डाइवोर्स के इंडिकेशन मिलेंगे, आपके विवाह नहीं चल पाएगा। साथ ही अगली चीज़ जानेंगे, आपके हाथ में ये मंगल रेखा है ना, शुक्र की जब बात करते हैं तो ये मंगल रेखा की बात करना अति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये शुक्र और मंगल को डिवाइड करती है, और इसके संकेत बहुत नेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेट से संबंधित दिक्कतें भी देंगे, और साथ ही ये आपको बनते हुए कामों में अड़चने उत्पन्न करेंगे, कामों में डिले करवाएंगे, कामों को पोस्टपोन करवाएंगे। ठीक है, साथ ही लास्ट में हम जानेंगे शुक्र और मंगल को सही करने के हम क्या उपाय कर सकते हैं, जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे, कामों में अड़चने नहीं आए, और आपका जीवन बहुत ज़्यादा लग्जरीज से भरा हुआ रहे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ये उपाय आपके लिए अति आवश्यक रहेंगे। साथ ही यदि आपको अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा करवाना है, तो वीडियो पर चल रही
डिटेल्स पे आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दिया गया है। मेरे द्वारा आप कंसल्ट करवा के कंप्लीट पाम का एनालिसिस करा सकते हैं। शुरुआत के 50 लोगों के लिए 501 रुपये चार्जेस है, उसके बाद जो नॉर्मल चार्जेस 1100 रुपीज़ वो आपके चलेंगे। देखिए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए फर्स्टली अगर बात चालू की जाए हम शुक्र की बनावट के बारे में, शुक्र का महत्व समझें। शुक्र पर्वत बताते हैं लग्जरीज को, लेविश लाइफ को। ये जितनी भी दुनिया में सुंदर चीज़ें हैं शुक्र से ही गवर्न की जाती हैं। यदि आपका शुक्र प्रबल है, आप देखेंगे आपके हाथ में शुक्र पर्वत उभरा हुआ है, उभार लिया हुआ है, गद्दी बना रहा है आपको दबाने पे, उभार दिख रहा है, उस पर लाल और हरा रंग हो रहा है, थोड़ा सा मतलब लालामी और हरी हरेपन में है, थोड़ी सी नसें दिख रही हैं उसकी, तो ये समझिएगा आपका शुक्र प्रबल स्थिति में। और यदि आपका शुक्र प्रबल स्थिति में है तो ऐसी अवस्था में देखा जाता है इंसान के व्यक्तित्व की पहचान कैसे करें। यदि शुक्र प्रबल स्थिति में देखा जाता तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि व्यक्ति लविश लाइफ को जीने वाला होता है। शुक्र पर्वत होने प्रबल होने के कारण इंसान को वेल मेंटेन्ड, वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम रहना पसंद रहेगा। साथ ही शुक्र पर्वत प्रबल होने के कारण इंसान को गाड़ी, मकान, इन सब चीज़ों लग्जरीज का शौक रहेगा, जो सुंदर देखेंगे। ठीक है, तो इनके लिए सर्वप्रथम क्या अगर देखेंगे, इनकी बात चालू की जाए शुक्र पर्वत में, शुक्र पर्वत किन किन चीज़ों को गवर्न करता है। पहले लविश लाइफ, लग्जरीज, दूसरी सौंदर्य, सुंदरता। शुक्र पर्वत आपका अच्छा है तो आप एक आकर्षित करने वाली पर्सनैलिटी को आप डेवलप करेंगे अपने अंदर। और तीसरी चीज़ वैवाहिक सुख, जो कि बहुत ज़रूरी है। यदि आपका शुक्र डिस्टर्ब है तो आप जीवन में चाहे जितना भी अच्छा व्यक्तित्व रखें, चाहे जितनी भी अच्छी पदवी पहुँच जाएँ, पर आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति अच्छी नहीं होगी। ठीक है, शुक्र पर्वत को सही करना अति आवश्यक होता है। यदि आपके हाथ में भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको देखें, पॉजिटिव के बात करेंगे, अब नेगेटिव है तो लास्ट तक ज़रूर रुकिएगा, मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा ज़रूरी। आप अपने जीवन में वो करना चालू कीजिए, आपको शुक्र मजबूत होगा, वैवाहिक सुख प्राप्त होगा, साथ ही वैवाहिक जीवन में संपन्नता अच्छे से होगी। पहली बात करेंगे हम, यदि शुक्र पर्वत पर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, आज हम बात चालू करते हैं शुक्र पर्वत पर यदि सीधी खड़ी रेखाएं ऊपर को जाने वाली वर्टिकल लाइंस, ये यदि वर्टिकल लाइंस है, जितनी ज़्यादा जीवन में ये आपकी शुक्र पर्वत वर्टिकल लाइंस होंगी ऊपर की ओर जाने वाली, आपको जीवन में उतनी ही ज़्यादा जिंदगी मौके देगी जीवन में ऊपर जाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़। इन लाइंस को कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ लाइन। और यदि मात्र केवल आपके शुक्र पर्वत पर ऊपर की जाने वाली ही रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं नहीं देखी जा रही, और देखी भी जा रही हैं तो दो तीन देखी जा रही हैं, नीचे से ऊपर जाने वाली रेखाएं 5-6 से ज़्यादा हैं, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जीवन में व्यक्ति बहुत सफल बनेगा, बहुत साकार जीवन रहेगा, जीवन में एक बहुत अच्छे ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगा, लग्जरीज, गाड़ी, मकान, इन सब चीज़ों को सुख प्राप्त करेगा। वहीं यदि आपके हाथ में ये हॉरिजॉन्टल लाइंस केवल देखी जाती हैं, ऊपर जाने वाली लाइंस कम है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया, ऊपर जाने वाली लाइंस कम है और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस ज़्यादा है, आड़ी रेखाएं की संख्या ज़्यादा है जिसमें ये देखने को मिल रही है। ठीक है, ऊपर जाने वाली 2-3 है और आड़ी रेखाएं आपकी लगभग 7-8 हैं, ऐसी स्थिति में देखा जाता है इंसान कहीं ना कहीं शौकीन मिजाज का होता है। ऐसे लोगों की आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग शौकीन मिजाज से किस प्रकार से होते हैं, महंगी चीज़ों को शौक करना, वेल मेंटेन, वेल ग्रूम रहने के लिए, लोगों की तुलनात्मक रूप में लोगों की बराबरी करने के चक्कर में पैसे का फालतू व्यय करना, ऐसे लोगों को लत, आदत आदि चीज़ों की लगती हैं। ठीक है, किस प्रकार से नशे की आदत लग सकती है, ऐसे लोगों को यदि नशा नहीं होगा तो जो कहते हैं ना हाई क्लास बनने के जितने भी सोर्सेज होते हैं उन सब की आदत लगने के चांसेस रहते हैं, आड़ी रेखाएँ होती हैं, तो ऐसे लोगों को अपने खर्चों पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना आवश्यक है। तीसरी स्थिति देखी जाती है जो कि वैवाहिक जीवन के बारे में बताती है, यदि आपका शुक्र पर्वत पर आड़ी रेखाएं बन रही हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से तो जालनुमा आकृति बन रही है कि आपकी सीधी जाने वाली रेखाएं और आड़ी रेखाएं बराबर स्थिति में हैं और ये जालनुमा आकृति क्रिएट कर रहे हैं, यदि आप जैसे इसमें देख पाएंगे। ठीक है, ये जो जाल बन रहा है ना इस प्रकार से, ये जाल की आकृति आपके वैवाहिक जीवन को नष्ट कर सकती है। साथ ही यदि आपके आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकलकर आपके शुक्र पर्वत, वो शनि पर्वत तक पहुंच रही है, या फिर आपके आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकलकर आपके सीधे आपके बुध पर्वत तक पहुंच रही है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है इंसान के डाइवोर्स की स्थिति बनती है। शनि तक पहुंच रही है तो डाइवोर्स की स्थिति, कानूनी कार्रवाई में फंस जाने, वैवाहिक जीवन में असंतुलित हो जाना, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। यदि आपके आंतरिक मंगल से रेखा निकलकर बुध तक पहुँचती तो प्यार मोहब्बत में डिवोर्स, ब्रेकअप होना, शादी में डाइवोर्स की स्थिति उत्पन्न होना वाली स्थितियाँ उत्पन्न होती, मतलब धोखे वाली स्थितियाँ। ठीक है, परंतु यदि ये दो साइन नहीं है, केवल जालनुमा आकृति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है जीवन भर वैवाहिक जीवन तो चलता रहेगा, परंतु वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं असंतुष्टि रहेगी, छोटी छोटी बातों पर कलेश हो जाना, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रहना, ये सारी दिक्कतों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आवश्यक है आप अपने शनि को प्रबल करें, मजबूत करें। इसलिए मैं आपको लास्ट में वीडियो के आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा, दो रेमेडीज़ बताऊंगा, जीवन में कीजिए, आपका जीवन साकार हो जाएगा, वैवाहिक जीवन आपकी स्वस्थ और सुखी रहेगी। ठीक है, इसलिए आवश्यक है लास्ट में आप वीडियो उसमें उपाय ज़रूर सुन के जाएँ। ठीक है, अगली चीज़ यही देखा जाए,
अच्छा आप कहेंगे कि ये केवल उभार हुआ है, यदि आपका दबा हुआ है, शुक्र आपका दबा हुआ है तो ये भी दिक्कत है, तो अभी आएंगे ठीक है। शुक्र प्लेन है या फिर दब रहा है वहाँ पर ऐसी स्थिति हो रही है तो उसमें भी ये दिक्कतें उत्पन्न होंगी। अगली चीज़ ये देखी जाए शुक्र कैसे सही करें। शुक्र को सही करने के लिए आपको क्या करना है, आप पहली चीज़ आप शुक्रवार की शुक्रवार शिव जी के मंदिर जाना चालू कीजिए ठीक है। शुक्रवार के दिन आपको शिव जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जाके आपको एक लोटा जल चढ़ाना है, जल चढ़ाने के बाद गुलाब का इत्र चढ़ाना है और एक मीठे पान का भोग लगाना है शिव जी को। ये रेमेडीज़ कंटिन्यूसली वे में करना चालू कीजिए। यदि आपके हाथ में ये गलत साइन है, जाल की आकृति बन रही है, ये जाल ये शनि वाले ये और मरकरी वाले साइन बन रहे हैं, समझ जाइएगा वैवाहिक जीवन में कष्ट उत्पन्न होगा, दिक्कतें आएंगी, इसलिए ये चीज़ कीजिए ठीक है। साथ ही एक और चीज़, शुक्र को नॉर्मल व्यक्ति भी अपने शुक्र को बैलेंस कर सकते हैं जिससे जीवन में लग्जरीज वैवाहिक सुख सौंदर्य बढ़े। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो आप अपने जिनका ये जालनुमा आकृति नहीं है परंतु ये आड़ी रेखाएं बन रही हैं, सीधी रेखाएं बन रही हैं, एक बैलेंस्ड भी बन रही है, वो अपने शुक्र को और प्रबल करने के लिए, क्योंकि शुक्र प्रबल होंगे तो लग्जरीज बढ़ेंगी लाइफ में, वेल मेंटेन्ड वेल ग्रूम्ड रहने की आप में कला आएगी, बहुत बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना होगा। ये सब चीज़ों के लिए क्या करें, आप अपने शुक्र पर्वत पर डेली एक बूंद इत्र की डालकर दोनों हाथों को शुक्र पर्वत को आपस में मिला के आप कहते हैं घिस लें ठीक है, उससे आपकी शुक्र मजबूत होगा, शुक्र बैलेंस होने से आपकी लाइफ में लग्जरीज वगैरह बढ़ेंगी। तीसरी चीज़, शुक्र के लिए अगर महत्वपूर्ण रत्न की बात की जाए तो रत्न कौन सा होता है, शुक्र के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रत्न रहेगा वो रहेगा हीरा, डायमंड। हीरे की एक और खासियत है, हीरा किसे धारण करना है, हर किसी को शुक्र वाले को धारण नहीं करना, जिस किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर बैड इंडिकेशन ना हो वो शुक्र पर्वत को प्रबल करने के लिए हीरे को धारण करने उसके दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत होगी। क्योंकि हीरे की एक खासियत होती है, यदि आपका शुक्र अच्छी अवस्था है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर लाइन जा रही है या फिर आड़ी रेखा बन रही है, केवल है ना, मिक्स नहीं हो रही, जाल नहीं बना रहे, ऐसी स्थिति में तो आपके शुक्र को वो प्रबल कर देगा और ज़्यादा ग्रोथिंग देगा, परंतु यदि ये जालनुमा आकृति हो तब आपने हीरा धारण कर लिया तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं शुक्र नेगेटिव इम्पैक्ट देने लगता है ठीक है। तो सोच समझ के हीरा धारण करना, हर किसी को डायमंड नहीं प्रेफर करना। साथ ही लास्ट जो बात करूंगा वो है आपकी ये मंगल रेखा ठीक है, ये मंगल इसे कहते हैं मंगल प्रभावी रेखा, जो शुक्र पर्वत और मंगल पर्वत को बांटती है, ये सेपरेशन लाती है, सेपरेशन लाती है, साथ ही ये मंगल कार्यों में अड़वेंगे अड़चने उत्पन्न करती है। यदि ये मंगल रेखा है आपके हाथ में तो आप देखेंगे आपके जीवन में बनते बनते कामों में अड़चने उत्पन्न करती हैं, लास्ट टाइम पे काम बिगड़ जाते बदल जाते, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, साथ ही आपको पेट से संबंधित दिक्कतें भी उत्पन्न होंगी, इसलिए आप अपने मंगल को प्रबल कीजिए। मंगल को प्रबल करने के लिए आप मंगलवार की मंगलवार चींटियों को आटा खिलाइए पहली चीज़, साथ ही आपको मंगलवार के दिन जो भी घर के निकट आपके बजरंगबली के मंदिर हो वहाँ पर आप जाना चालू कीजिए, साथ ही बजरंगबली के मंदिर में जाकर आपको घी का दिया लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और एक चूरमे का लड्डू का भोग चढ़ाना है। ये प्रोसीजर मंगल के उपाय आप करने चालू कीजिए, आपको अंतर देखना चालू हो जाएगा जीवन में। धन्यवाद।